हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 की हिंदी की मैथ्स का अध्याय 11 करवाऊंगी, परिमाप और क्षेत्रफल। इससे पहले की जितनी भी आपने क्लासेस करी होंगी उसमें आपने परिमाप और क्षेत्रफल निकाला होगा, आपको पता होगा कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगी ताकि आपको इसके सभी जो प्रश्न है अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो में आप इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, आने वाली वीडियोज में हम इसके क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। हमारे पास कोई भी आकृति हो, अगर हमारे पास वर्ग दे रखा है, हमें आयत दे रखा है, या हमें कोई भी ऐसी आकृति दे रखी है, हमें इसका परिमाप निकालना है, तो या हमें त्रिभुज दे रखा है, तो हम उसका परिमाप किस तरीके से निकालेंगे। परिमाप होता क्या है? जो भी हमें आकृति दे रखी होती है उसके जो बाहर की जो ये आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये जितनी भी बाउंड्री, इसको हमने बताना होता है, यही हमारा परिमाप होता है, इसको हमें निकालना होता है। जब भी हमें परिमाप निकालने के लिए बोला जाता है तो हमें इसकी मेजरमेंट दी जाती है। जब भी हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तो हमें बताया जाएगा कि किसकी भुजा कितने सेंटीमीटर है, तो हम उसको उसी हिसाब से, जो भी फॉर्मूला होगा उसको उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जो भी परिमाप का फॉर्मूला होता है उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके तो हमारा परिमाप निकल आता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए परिमाप होता क्या है। परिमाप किसी भी आकृति की जो बाहर की जो बाउंड्री होती है इसको मेजर करना, इसको कैलकुलेशन करके इसकी पूरी सीमाओं को निकालना, जितनी भी ये दूरी है, ये जितनी भी हैं, इन सबको निकालना, ये हमारा परिमाप होता है। परिमाप हमारी बाहर की बाउंड्री होती है, ठीक है, ये हो गया परिमाप। अगर हमें क्षेत्रफल निकालने पूछा जाए कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अंदर का हिस्सा होता है, ठीक है, ये आयत है, आयत के जो अंदर का हिस्सा है उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं, ये वर्ग के जो अंदर का हिस्सा है इसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। लेकिन वो जो आकृति जिसका हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है वो आकृति बंद होनी चाहिए, जैसे कि ये सभी आकृतियां हमारी बंद है। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना, तो इसका मतलब जो इसके अंदर का जो हिस्सा है उससे इन्होंने हमें ये बोला जाएगा कि जब भी क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें बात को समझना है कि जो भी आकृति हमें दी गई है, जिस भी चीज का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया वो उसके अंदर का हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से परिमाप क्या हो गया, बाहर की बाउंड्री, और क्षेत्रफल क्या हो गया, अंदर का एरिया, अंदर का जितना भी ये हिस्सा है वो हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आयत से। आयत का हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हम आयत से शुरू करते हैं। पहले हम एक आयत बना लेते हैं, ठीक है, ये हो गई आयत। इसको हम मान लो एक नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। अब इसकी जो आमने सामने की भुजा, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है, आयत की आमने सामने की भुजा एक समान होती है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका परिमाप निकालने के लिए बोला जाता है, तो उस हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे आयत का परिमाप आ जाए, यानी कि ये बाउंड्री जो हमें दे रखी है ये निकल आए। आयत का परिमाप निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, देखो ये है इसकी, ये है इसकी लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई, यानी कि ये जो लंबाई है जिसको हम L बोलेंगे और ये है चौड़ाई जिसको हम B बोलेंगे, यानी कि ब्रेथ, ठीक है। जब भी हमें आयत का परिमाप निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा 2 मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लगाएंगे L इंटू एल एल प्लस बी, ठीक है, यानी कि 2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी दोनों भुजाएं एक समान होती है इसलिए हम उसके लिए 2 लगा रहे हैं। लेंथ की जगह पे लेंथ लिखेंगे और ब्रेथ की जगह पे ब्रेथ। अगर देखो 2, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2, तो दोनों को प्लस कर देंगे, 4 प्लस 2 6। अब ये जो हम इनटू बोलते हैं इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में ये गुणा हो रहा है, ब्रैकेट से बाहर जो भी संख्या होती है और जो अंदर होती है वो आपस में गुणा होती है। अब 6 को हमने 2 से गुणा कर देना है, 6 दूनी 12, यानी कि जो इसकी लंबाई, इसका जो परिमाप निकला आयत का कितना निकला, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जब भी हमें आयत का परिमाप निकालना है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी का, ठीक है। अब इसी आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है 4 और चौड़ाई कितनी है 2, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, यानी कि जो इसका क्षेत्रफल आया वो आया 8 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकालते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें परिमाप दे रखा होता है, ठीक है, हमें दे रखा है कि इसका परिमाप जो है वो 20 सेंटीमीटर है, हमें परिमाप निकालना नहीं है, हमें पहले से ही
परिमाप 20 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें साथ में ये बता दिया कि जो इसकी लंबाई है ना वो 4 सेंटीमीटर। देखो मैं एक आयत बनाती हूँ, ये मैंने आयत बनाई, इसका जो परिमाप उन्होंने बोला है कि 20 सेंटीमीटर है और जो इसकी लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसके सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता, हमें इसकी जो है वो चौड़ाई निकालनी है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आएगा कि हमें परिमाप दे देंगे, उसकी चौड़ाई निकालनी होगी, परिमाप दे देंगे, चौड़ाई दे रखी होगी, लंबाई निकालनी होगी। कई बार ऐसे भी होता है कि लंबाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है, परिमाप दे देंगे, कई बार हमें क्षेत्रफल दे देंगे वो। तो कोई दो चीज़ें तो हमेशा हमें क्वेश्चन में मिलेंगी और हमें तीसरी निकालनी होगी। तो जैसे इसमें इन्होंने हमें परिमाप दे दिया और लंबाई दे दी, अब हमें चौड़ाई निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला वही लगाना है जो हम परिमाप में लगाया है, यही इसी फॉर्मूले से हमारा जो है चौड़ाई निकलेगी। देखो हमें परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ रखेंगे, 2 गुणा लंबाई जमा में चौड़ाई। अब 20 की जगह 20 आएगा, 2 की जगह 2, लंबाई हमें 4 दे रखी है और चौड़ाई हमें नहीं पता, तो 20 की जगह पे 20। अब ये जो है 4 और 20, इसको हम पहले गुणा कर लेंगे, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, जमा 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 2b आ जाएगा, ठीक है, 2b आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर ये जो 20 है इसको इधर लिखेंगे, अब यहाँ पे जो 8 है, ये जो 8 है ये इसके साथ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अब हम जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 में से 8 हमारा माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 आ गया, 2b आ गया। अब जो 2b है, 2 के साथ b, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने गुणा करके लिखा था, यानी कि यहाँ पे ये गुणा हो रहा है। अब हम इसको इस 2 को इधर लेके आएंगे तो इसके साथ भाग हो जाएगा, तो b हमारा इधर आ गया, तो 2 एकम 2 और 2 6 12, यानी कि जो ब्रेथ है b है वो कितना निकला हमारा, 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। ऐसी अगर हमें चौड़ाई दे रखी होगी और हमें लंबाई निकालनी होगी तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम L लिखेंगे, अगर हमें चौड़ाई दे रखी होगी तो चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई लिखेंगे। सेम इसी तरीके से करना है तो हमारी लंबाई भी निकल सकती है, इसी तरीके से करेंगे तो हम चौड़ाई भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने निकाला, तो इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। इसी तरीके से अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा हो और हमें चौड़ाई निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। मान लो हमारे पास जो क्षेत्रफल है हमें 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब हमें जो है लंबाई तो दे रखी है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें जो लंबाई है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। अब हमें जो है वो चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था हमने, L इंटू बी। एल कितना है हमारा, 25, क्षेत्रफल हमें 500 दे रखा है, 500 इज इक्वल टू, यानी कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू L इंटू बी, L इंटू बी का फॉर्मूला लगा लिया, बी हमें नहीं पता। अब जो है यहाँ पे 25 के साथ बी यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। जब हम दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है और हमें बी निकालना है। तो 25 के टेबल से हम इसको करेंगे, 5 से पहले कर लो, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 2 जीरो ऊपर, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0, यानी कि बी कितना निकल आया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें लंबाई भी निकालनी हो, क्षेत्रफल दे रखा हो हमें लंबाई निकालनी है, तो भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। अब आपको ये पता चल गया, अगर आयत का परिमाप निकालना हो और हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालना, आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों दे रखी है। अगर उन्होंने हमें परिमाप दे रखा है, लंबाई या चौड़ाई नहीं दे रखी, दोनों में से कोई एक चीज़ निकालनी है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई या चौड़ाई में से कुछ एक नहीं दे रखा, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा आयत। अब हम आते हैं वर्ग पे। अब हम करेंगे वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। अगर ये हमारी नीचे वाली 5 सेंटीमीटर है तो इसकी चारों भुजाएं
5 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि ये वर्ग है। अब हम पहले वर्ग का परिमाप निकालेंगे। वर्ग का परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 गुणा में भुजा, यानी कि 4 को हमने जितनी भी भुजा हमें दे रखी है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 4 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा गुणा में भुजा, यानी कि 5 गुणा में 5। भुजा इसकी 5 है ना, तो 5 × 5 = 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आएगा। इस तरीके से हम इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हमें मान लो वर्ग का परिमाप हमें दे रखा है, वर्ग का परिमाप इन्होंने हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं कि हमें परिमाप 30 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन हमें अभी निकालनी है भुजा, भुजा हमें नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने वही लगाना है परिमाप वाला। परिमाप हमें दे रखा है और भुजा हमें नहीं दे रखी। परिमाप कितना है, परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला क्या था, 4 गुणा में भुजा। परिमाप की जगह पे हम परिमाप लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, 4 गुणा में भुजा हमें नहीं पता, तो उसकी जगह पे हम लिख देंगे बी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये हमारा जो है इसके साथ यहाँ पे गुणा हो रहा है, हम इसको ना ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर परिमाप लेते हैं। यहाँ पे ये इसके साथ गुणा हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके इसके साथ भाग हो जाएगा। ठीक है, और भी तो 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, यानी कि जो इसकी भुजा है वो कितनी निकल आएगी, 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम भुजा निकाल, ऐसे अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा हो और हमें भुजा निकालनी हो, मान लो हमें 400 क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, और हमें भुजा निकालनी है, तो भुजा गुणा भुजा का फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का। तो भुजा को हम x मान लेते हैं, x गुणा x करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें यहाँ पे इस पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ से हमारा ये स्क्वायर हटेगा। तो यहाँ पे जो ये चार्ट ये हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये जो हमारा स्क्वायर हटेगा और जो 400 ये हमारा रूट में आ जाएगा। अब ये हमें रूट हटाने के लिए ये हमें ये बताने के लिए कि भुजा कितनी है, उसके लिए हमें हमेशा इसका लघुत्तम समावर्त लेना पड़ता है, एलसीएम। इसको 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4, फिर 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, सो हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 × 5 = 25, फिर 5 से करेंगे 1। अब हमें इन 2 के पेयर बनाने हैं, तो हो गया 2 × 2 × 5, 5 × 10, 10 × 20, यानी कि जो हमारा ये जो रूट था इसको हटाने के लिए हमने एलसीएम लिया और इसको पेयर में गुणा करके हमारा आया 20, यानी कि भुजा हमारी कितनी आ गई, 20 आ गई। अगर हम 20 को 20 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हमारा 400 ही होगा। इसलिए जब भी हमें क्षेत्रफल दे रखा हो और हमें वर्ग की भुजा निकालनी हो तो हम इस तरीके से उसकी भुजा निकालते हैं। जब हमें समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है तो पहले परिमाप निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमें साइड दे रखी हैं हम उनको प्लस जो भी हमें साइड दे रखी होगी, जैसे मान लो ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है और सी बी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जितनी भी इसकी साइड दे रखी होगी हमें समांतर चतुर्भुज का, जब भी हमने परिमाप निकालना होता है तो हम इसकी साइड्स को प्लस कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो इसका परिमाप निकल आता है। ठीक है, लेकिन जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है लंबाई आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब आधार क्या है, ये है इसका, ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये इसका आधार है, लेकिन ऊंचाई हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हमारी एक भुजा है समांतर चतुर्भुज की, ऊंचाई जो है हमारी जो है वो इस तरीके से ये होगी और ऊंचाई हमें दे रखी होगी, जैसे मान लो इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, तो ये आधार है और ये ऊंचाई है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इनकी 5 × 20, 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल निकलेगा समांतर चतुर्भुज का। यानी कि जब भी हमें समांतर चतुर्भुज का
हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आधार गुणा में ऊंचाई करनी पड़ेगी, और जब भी हमें परिमाप निकालना है समांतर चतुर्भुज का तो जो भी भुजाएं हमें दे रखी हैं हमने उन सबको योग कर देना है, ठीक है। तो वो हमारा परिमाप और क्षेत्रफल निकलेगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। त्रिभुज का भी परिमाप निकालने के लिए हमारे पास जो तीन भुजाएं होती हैं हम उनको प्लस कर लेते हैं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर देंगे, यानी कि 5 जमा 4 जमा 3 तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसका परिमाप क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। परिमाप निकालने के लिए तो हम इन सबको प्लस कर देंगे, लेकिन जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा त्रिभुज का तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यानी कि जो भी हमारा आधार होगा उसके साथ गुणा में ऊंचाई, 1/2, 1/2 का 1/2 आ गया। आधार हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमें दे रखी होगी या फिर हमें निकालनी होगी या फिर हमें दे रखी होगी। मान लो जो इसकी ऊंचाई है वो हमें 4 सेंटीमीटर ही दे रखी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है, तो 5, पहले हम इसको क्या कर देंगे, ये ब्रैकेट में है तो 5 और कितना हो जाएगा 20, आप 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 10, तो इसका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल निकालते हैं और परिमाप हम इस तरीके से निकालते हैं। अब हम एक त्रिभुज और ले लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, अब हमें इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है और इसका हमें जो है ऊंचाई भी दे रखी है, लेकिन हमें इसका आधार नहीं पता, तो वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे ए बी और सी, इसकी जो ऊंचाई है वो हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार हमें निकालना है इसके अंदर, और जो इसका क्षेत्रफल है वो हमें 36 दे रखा है, यानी कि 36 सेंटीमीटर जो है इसका हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें निकालना क्या है बी सी, यानी कि इसका हमें आधार निकालना। तो कई बार हमें आधार निकालने के लिए भी बोला जाएगा, हमें ऊंचाई दे रखी होगी और क्षेत्रफल दे रखा होगा, कई बार हमें ऊंचाई निकालने के लिए बोला जाएगा आधार और क्षेत्रफल दे रखा होगा। तो मैं इसमें आपको आधार निकाल के बताती हूँ, ऊंचाई निकालने के लिए भी सेम हमें उसी तरीके से करना होगा। तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला लगाते हैं उसी फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 की जगह 1/2 आ गया, आधार की जगह पे हम बी सी लिख देंगे क्योंकि हमारे पास जो है इसकी जगह पे अभी कुछ नहीं है, ऊंचाई हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो हम उसको 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, और क्षेत्रफल हमें 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे जो है ये इसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणा हो रहा है, लेकिन जब ये इधर आ जाएगा तो इसके साथ क्या होगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, ये गुणा, तो हमें निकालना क्या है बी सी, तो बी सी हमारा जो इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा ये 36, ये यहाँ पे भाग हो रहा तो इधर आके ये गुणा हो गया, गुणा में 2, यहाँ पे इसके साथ गुणा हो रहा तो यहाँ पे आके ये भाग हो गया, ठीक है। सबकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। अब हम इसको जो है कट कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा 12, 12 को 2 से गुणा किया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो बी सी है वो कितना आया, इसका जो आधार है वो आया हमारा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें ऊंचाई भी निकालने के लिए बोला जाता है तो हम इसी फॉर्मूले से जो है ऊंचाई भी निकालेंगे, तो हम आधार की जगह पे आधार लिख देंगे, ऊंचाई हमें नहीं दे रखी तो उसकी जगह पे हम ऊंचाई लिख देंगे, और इस तरीके से जैसे ये यहाँ पे भाग हो रहा है तो यहाँ पे आके इसके साथ गुणा हो गया, और ये यहाँ पे इसके साथ गुणा हो रहा था तो ये नीचे आके इसके साथ भाग हो गया, यानी कि पोजिशन जो है वो चेंज हो गई, और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हम आधार और ऊंचाई दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वृत्त, वृत्त के अंदर हम परिमाप और क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। वृत्त के अंदर हमें देखो ये जो अंदर का हिस्सा है ये हमारा क्षेत्रफल है और ये हमारा क्या है परिमाप दे रखा है हमें, ठीक है। क्षेत्र वृत्त के अंदर यहाँ पे जो सेंटर में एक पॉइंट होता है और वहां से लेके अगर हम इस सेंटर के पॉइंट से लेके इसको वृत्त के टच करने तक एक रेखा है तो उस रेखा को हम बोलते हैं त्रिज्या, यानी कि इसकी क्या है इसके अंदर बिल्कुल सेंटर से, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक, अगर कोई सेंटर पॉइंट से लेके ये रेखा को ऐसे पूरी दूसरी तरफ जो है वृत्त को टच करती है तो ये जो पूरी रेखा होती है ना इसको हम बोलते हैं व्यास, यानी कि त्रिज्या का डबल, त्रिज्या का जो डबल होता है वो व्यास होता है, और जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। अगर हम पूरे व्यास की बात करें तो आधा हिस्सा जो है वो क्या है
त्रिज्या है। अब त्रिज्या को अगर हम डबल कर दें तो वो व्यास बन जाता है, और जो इसका बाहर की जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, परिमाप, और अंदर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो इसके अंदर हमें देखना है कि परिमाप और क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। वृत्त के परिमाप को हम बोलते हैं परिधि, यानी कि हमें वृत्त की परिधि निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त, ये हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक वृत्त ले लिया, इसकी हमें जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो इस वृत्त की जो है वो परिधि निकालनी है, तो वृत्त की परिधि निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि निकालने के लिए। 2 की जगह पे तो 2 ही आता है, और जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है पाई की वैल्यू, और आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या। आर हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आप अगर कोई कुछ कट सकता है तो आप उसको काट लीजिए, अगर नहीं कर सकता तो हम इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है। इसको जितना अगर ये कट सकता है तो हम इसको कट कर देंगे, अगर ये नहीं कर सकता तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करके कट करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो ये रेडियस है ये हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसको, इस रेडियस को हम 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब 7 × 7, 7 × 14 यहाँ पे कट रहा है। अब 22 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि जो इस वृत्त की परिधि है वो 88 सेंटीमीटर यानी कि 88 सेंटीमीटर हमारी जो है इस वृत्त की परिधि आएगी। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, परिधि। अब मान लो आपको एक वृत्त दे रखा है और उसके अंदर एक व्यास दे रखा है, व्यास जो है वो हमारा है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है वो व्यास है। लेकिन अब आपको इसकी त्रिज्या नहीं पता है, क्योंकि अगर हमें परिधि निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आर यहाँ पे नहीं दे रखा, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, व्यास दे रखा है, जिसको हम इंग्लिश में डायमीटर डी कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे व्यास नहीं दे रखा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम यही लगाएंगे 2πr, यानी कि 2 × 22/7। अभी हमें आर नहीं दे रखा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2, आप 10 कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो, पहले इसका आर निकाल लो, आर निकालने के लिए 1/2 में 10 करेंगे, या फिर आप सीधा ये 1/2 10 यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर आप पहले से ही करके 2 × 2, 2 × 5, 10 यानी कि 5 इसका जो है वो आर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, आप सीधा 5 भी लिख सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपके पास आर नहीं है, आपको व्यास दे रखा है, तो 1/2 × 10 लिख दो, यहाँ पे कटिंग कर दो या फिर पहले भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो 2 × 2, 2 × 5, 10 हो जाएगा, यानी कि आर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो 2 × 22/7 × 5 इस तरीके से हम आर निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर हमें व्यास दे रखा हो, त्रिज्या निकालनी हो, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसकी परिधि निकालने के लिए जैसी कैलकुलेशन हमने ऊपर करी वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें वृत्त के अंदर परिधि निकालने का तो हमने फॉर्मूला देख लिया, अब हम देखते हैं कि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो फिर हम इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है πr², ठीक है। परिधि निकालने के लिए क्या होता है, 2πr, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ऐसे ही क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो है πr², ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। अब जो भी आर हमें दे रखा होगा, मान लो हमें 14 दे रखा है, तो 14 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर दो बार लिखना है। मान लो हमें इसके अंदर जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2π की जगह 22/7 और रेडियस हमें 10 दे रखा है, तो 10 × 10 ऐसे आएगा, क्योंकि आर क्या है, स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम हमें इसको लिखना है, ठीक है। अब 22 को अगर हम पहले 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 22/7 × 100 आ गया। अब 100 को अगर हम 22 से गुणा करते हैं तो 2200 हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमारा आएगा 314, उसके बाद दशमलव में भी आएगा, लेकिन हम इसको 314 लिखते हैं। अगर अब एक चीज और, कि पाई के अंदर जो इसकी वैल्यू है वो 3.14 भी होती है, या तो आप 22/7 भी लिख सकते हो, या 3.14 लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये जहां जहां पे मैंने आपको पाई की वैल्यू 22/7 बताई है, वहां पे आप 3.14 भी लिख सकते हो, दोनों ही पाई की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम जो है इस अध्याय के अंदर हमें परिमाप और क्षेत्रफल निकालने हैं, और इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम आयत, वर्ग, वृत्त, समांतर, चतुर्भुज, त्रिभुज, इन सबके हम परिमाप और क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आपको प्रश्नावली करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।